सो हेलो और नमस्ते यूट्यूब, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। जैसे कि पता है ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रही है, तो मैं मानता हूँ हाँ 7-8 दिन हो गए वीडियो डाले हुए, पर जो इंस्टाग्राम वगैरह मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा क्या दिक्कत चल रही है। जैसे मैं पहले ही बताता आ रहा हूँ, मेरे को सर्वाइकल वगैरह की दिक्कत थी, जैसे पहले भी 6-7 महीने जिम ऑफ हुआ था, तो वो फिर से लास्ट 1 वीक में काफ़ी ट्रिगर हुई। जैसे मैं नॉर्मली, आपको पता है जो भी सर्वाइकल वगैरह के पेशेंट होंगे उन्हें काफ़ी पता रहता है, ऐसे मान लो ये पूरा जो बैक साइड है, नेक वगैरह, ये बैक पूरी अकड़ी रहती है, हल्का सर नीचे भी करो तो चक्कर आते हैं। और मेरे साथ लास्ट वीक हुआ भी था, थोड़ा बहुत जिम कर रहा था मैं, हैवी थोड़ा करा तो चक्कर आने लग जाना होता है, जैसे ऑक्सीजन ना चढ़ रही हो सर में, वैसे हो जाना। और इसलिए मैं लास्ट 6-7 दिन जिम नहीं जा पाया, तो इसलिए वीडियो वगैरह नहीं आई, पर ये पार्ट ऑफ द जर्नी है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था दिक्कतें 100 आएंगी, पर हमें अपना बेस्ट बनना है, पर हेल्थ को भी प्रायोरिटी रखनी पड़ती है। मैं एक दिन उसके बाद भी गया था ये चल करता हूँ, पर फिर वो ये वहाँ जाके मेरे को फिर जैसे जोन आउट होने लग गया मैं। फिर मैंने 5 4 5 6 दिन का कम से कम गैप लिया, स्ट्रेचिंग वगैरह करी, एक्यूप्रेशर वगैरह स्टार्ट करा, और फिर से मैं दोबारा कल वापस जिम गया था, मैंने इंस्टा पे भी डाला था। तो फिर ना मेरे को इस चीज़ से एक चीज़ ये समझ आई, क्योंकि ना मैंने जब से ये जर्नी डाली थी ना, पोस्चर को लेके बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आए थे स्टार्टिंग से लेके और अब तक आते हैं। क्योंकि जब मैं आपको ना अभी दिखाया था, जैसे मैं आपको अपनी फोटो दिखाऊंगा जब मैं मोटा था, और आप जब मेरा पोस्चर देखो, इसके पीछे भी कहानी है कि ऐसे पोस्चर मेरा क्यों हो गया, जिसको मैं अभी तक भुगत रहा हूँ। मैं कम से कम 5 या 6 साल अपने टीन ईयर्स में ऐसे पोस्चर में रहा हूँ, और इसलिए मेरा पोस्चर इतना ख़राब हो गया था। इसके पीछे की सैड स्टोरी मतलब यही थी, मैंने पता नहीं किसी वीडियो में बताई भी होगी या नहीं, जैसे आप सबको पता है मैं मोटा था बहुत ज़्यादा, और मेरे बहुत ज़्यादा मैन बूब्स थे, तो उनको छुपाने के लिए ना मैं जान पूछ के ऐसे अपने शोल्डर्स राउंड करके चलता या बैठता था, ताकि वो थोड़े छुप सके। तो ये और इस चीज़ को लेके मैंने अपनी ना मतलब ये नॉर्मल अपना बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा कर लिया 6 साल में, कि मेरी बॉडी ऐसे पीछे से राउंडेड हो गई। उतना देखो कि बैक ऐसे राउंडेड हो गई, पीछे हम्प आ गया था, और जो मेरे शोल्डर्स थे ना ये आगे की तरफ ऐसे राउंड हो गए, जो इनके बोन्स थी। उस समय तो मेरे को नहीं समझ आया, क्योंकि उस समय मैं छुपाता था अपने मैन बूब्स वगैरह, पर फिर धीरे धीरे मैं पतला होने लगा, जब मेरे को बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया नेक में, बैक में, और मैं धीरे धीरे पोस्चर वगैरह की एक्सरसाइज करता था ठीक होने के लिए, बैक की एक्सरसाइज करता था, फिर मेरे को समझ आया कि जो मैंने 5 6 साल अपने साथ करा वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मैंने अपने मैन बूब्स वगैरह छुपाने के चक्कर में अपना पूरा जो स्ट्रक्चर था बॉडी का वो सारा ख़राब कर लिया, और जब मैं पतला हो रहा मेरे को अभी समझ आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। इसलिए फिर मैं सोचा जो भी मैंने मिस्टेक करी है, जिस चीज़ से मैं भुगत रहा हूँ या जो मैं पेन सह रहा हूँ, तो अपने भाइयों को बताऊँ। यही मेरा एम है इस चैनल का, कि अपनी जर्नी दिखाते हुए हर चीज़ में आपको बेस्ट बनाऊँ, अब चाहे वो फैट लॉस हो, मसल बिल्डिंग हो, डाइट हो, हेल्थ हो, और जो मैं इश्यूज़ वगैरह हैं। तो पोस्चर का सवाल आया था तो इसलिए मैंने बोला। तो मैं आप अभी देखो कैसे, मैं अभी आपको फोटो वगैरह देखते होगे वीडियो वगैरह में, तो मेरा हल्का शोल्डर ऐसा ना थोड़ा आगे की तरफ रहता है जैसे ढंग से, इसलिए मैं मेरा रियर डेल्ट वगैरह भी इतना डेवलप नहीं हो पा रहा। इसका यही रीज़न था कि मैंने मोटापे में वो इतना आगे राउंडेड कर दिया, कि अब मैं 1.5 साल से लगा हुआ हूँ डेली स्ट्रेचिंग वगैरह करने में, एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ बैक वगैरह के लिए, घर पे सुबह उठ के सारी स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ, पोस्चर सही करता हूँ, सीधा बैठता हूँ, सीधा चलता हूँ। पहले मैं बहुत झुक के चलता था, बहुत झुक के बैठता था, और पिछले 1 साल से सर्वाइकल की भी इतनी दिक्कत बढ़ गई है, और ये भी 90% पोस्चर की वजह से ही हुई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न है पोस्चर। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और मैं अभी बता रहा हूँ अभी मैं ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ। सिर्फ सर्वाइकल है तो पूरे नेक और बैक में पेन रहता है, और पोस्चर की वजह से भी ना मेरा जो ये लेफ्ट साइड है यहाँ इतना पेन रहता है कि मैं इसके ऊपर अपना हाथ लेके नहीं जा पाता, क्योंकि शोल्डर और पीछे इतना पेन रहता है यहाँ सारे में। तो मैं बैक वगैरह तो मारता हूँ, पर दिक्कत यह है कि मेरी लेफ्ट साइड थोड़ी हल्की और टिल्टेड है, और यहाँ इतना पेन रहता है कि मैं बैक मार तो लेता हूँ, पर राइट साइड तो फिर भी डेवलप हो रही है, पर लेफ्ट साइड में मैं उस तरीके से अपनी बैक डेवलप नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक पेन बहुत ज़्यादा है, और ये और ज़्यादा आगे की तरफ राउंडेड है, तो जब मैं अगर कोई एक्सरसाइज भी हिट करना चाहता हूँ बैक की, तो वो वहाँ नहीं लग रही जहाँ लगनी चाहती है, और ना मैं ढंग से अपनी बैक ओपन कर पा रहा। पर यही है वो पहले की गलती है, मतलब मैं रो तो नहीं सकता, इसलिए मैं 1.5 साल से लगा हूँ स्ट्रेचिंग करता हूँ, सारी एक्सरसाइज करता हूँ, योगा वगैरह भी करता हूँ। तो फिर इसलिए बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन था कि पोस्चर कैसे सही किया, तो मैंने सोचा यार अगर ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, मैं पिछले 8 दिन से खुद वापस से अपने सर्वाइकल ये सब के लिए दोबारा से मैं स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो मैं सोचा मेरे थ्रू अगर मैं सामने ही बताऊँ तो उन्हें सबको भी हेल्प होगी। तो बेसिकली ना देखो, हमको ऐसा लगता है कि पोस्चर इतना रोल प्ले नहीं करता, पर पोस्चर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे आपकी जो भी आपकी स्पाइनल हेल्थ होगी वो उस पर डिपेंड करती है, आपका डाइजेशन आपके पोस्चर वगैरह पर डिपेंड करता है, आपके जॉइंट्स पेन वगैरह हो सकता है अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, आपका टेस्टोस्टेरोन भी लोअर हो सकता है, तो ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं आपके पोस्चर अगर नहीं सही होगा। अब सही करने के लिए क्या, तो मैं सिंपल सा बता रहा हूँ इसका वो क्या है।
सबसे बेस्ट तो तरीका है आप अपना पोस्चर खुद से सही करो। आप कहीं भी कभी अगर बैठते हो तो अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करके बिल्कुल सीधा बैठो। अगर आप फोन भी चला रहे हो तो ज़्यादा झुक के मत चलाओ, या आपका होता है ना हेड बिल्कुल नीचे रहे झुक के, तो ये दिक्कत देता है। इतना झुक के मत बैठो, झुक के मत चलो। जब भी आप चल रहे हो सीधा चलो, कहीं बैठ रहे हो कार में, स्कूटी में, कहीं नॉर्मल बैठ रहे हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो, तो अपने पोस्चर पे ध्यान रखो। दूसरी चीज़, ये सबसे बेसिक चीज़ है, सबका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से सब चीज़ें बिगड़ती है। जैसे हम कहीं भी लेट जाते हैं बेड पे, कहीं उल्टा ऐसे करके लेट लिया, गर्दन वगैरह, मैं भी जब लेटता हूँ मेरे को तो और दर्द बढ़ जाता है, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। दूसरी चीज़, जितनी भी मैं स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ ना, वो जो मैं खुद करता आ रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से, वो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी हेल्प हो जाए और आप भी वो फॉलो करोगे। 5 से 10 मिनट आप सुबह उठ के कर लो या रात को सोने से पहले कर लो, तो आपको हेल्प मिलेगी और बैक में धीरे रिलीफ आएगा। पर आपको अपना पोस्चर भी सही करना पड़ेगा और डेली ये स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। तो रखो, आपको होल्ड करके रखना है। तीसरी, मैं ये चीज़ आना चाहता हूँ, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी पोस्चर बेल्ट आती है। हाँ, वो मतलब यूज़फुल है, मैंने भी मंगाई थी। मेरे केस में तो एक ये हुआ था कि ना मेरे को गैस वगैरह की दिक्कत है, और वो जो बेल्ट है ना वो पेट पे ऐसे बनती है, तो वो बहुत टाइटली बनती है, तो गैस वगैरह की वजह से मेरे को पेट पे इतना प्रेशर आता था तो मैं बांध ही नहीं पाता था। पर अगर आप भी वो वाली बेल्ट वगैरह यूज़ करोगे पोस्चर वाली जो पीछे बैक से बनती है, तो दिन में 1 या 2 घंटे से ज़्यादा उसको मत यूज़ करना, उतना ही करना भी। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो 10 10 12 12 घंटे पूरे दिन वो उसको पहन के रखते हैं, इतना नहीं, सिर्फ 1 से 2 घंटे। और रही बात, मैं आपको एक और टिप दे दूँ। ऐसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था मैं सर्वाइकल से कितना ज़्यादा सफ़र वगैरह कर रहा हूँ, कि मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक तो चलो स्टमक वगैरह की दिक्कत तो मैंने आपको अलग से बता ही रखी है, वो भी बीच बीच में चलती रहती है, पर सर्वाइकल वगैरह की इतनी मैं फेंट होकर गिरा भी हूँ। मैंने लास्ट 2 3 महीने पहले वीडियो भी बनाई थी। और रही बात ये वैस्कुलर हेड एक्स, माइग्रेन वगैरह, इससे लेकर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती रहती है। आजकल लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, 100 चीज़ें उसके पीछे फैक्टर वगैरह हो सकते हैं। पर कोई भी मेडिकेशन वगैरह तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं कोई स्पेशलिस्ट वगैरह नहीं हूँ। पर हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, मैंने एक वीडियो देखी थी बाबा रामदेव की है वो, उसमें ना बाबा रामदेव से जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना आपके एक्यूप्रेशर वाले, हाथ पे आपके यहाँ हेड वगैरह के आसपास पीछे, वो उसके थ्रू वहाँ मसाज वगैरह करो और साथ में योगा वगैरह करो 2 3, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क आता है आपके हेड एक्स वगैरह में। तो वो मैं आपको, ये वीडियो है इसका लिंक भी डाल दूंगा, जो मैं भी सुबह उठ के करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे थ्रू जितने बंदों को हेल्प हो सके उतना बेस्ट है। और रही बात ट्रांसफॉर्मेशन की, हाँ ये दिक्कतें आ रही हैं, पर मेरा वो बनता है कि मैं साथ साथ बताऊँ, ट्रांसपेरेंट रखूँ, चल रहा है। मैं वापस से कल जिम गया, डाइट चल रही है, फिर से करे जा रहे हैं साथ साथ। रिजल्ट कम आएंगे, अभी तो कम दिख रहे हैं क्योंकि एक तरीके से वार्म अप था। आप कभी भी अगर कोई अपनी लाइफ में चीज़ स्टार्ट करोगे ना बहुत टाइम बाद, आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 15 दिन में ही एकदम से बिल्कुल बेस्ट बन जाऊंगा उस चीज़ का, क्योंकि हम बहुत सेटबैक के साथ आ रहे हैं, धीरे धीरे वो फ्लो बन रहा है। आपको अपनी कंडीशन भी देखनी है, आपको अपनी हेल्थ भी देखनी है, तो मैं 1 महीने से वही देख रहा हूँ। 1 महीने मैंने वापस से वो धीरे धीरे डिसिप्लिन बना रहा हूँ जिम जाने का, कि नहीं जिम जाना है, दर्द है, वापस से वही वॉरियर वाला माइंड सेट लाना है, वो धीरे धीरे आ रहा है। रही बात डाइट की, डाइट मुश्किल है मैं मानता हूँ, मतलब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे को बिल्कुल फीका खाना पड़ता है, अपने स्टमक वगैरह की हेल्थ को देख के वो प्रायोरिटी है। पर कोई नहीं, 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, धीरे धीरे वो फीका खाना भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मेरे को अगर फीका खाने के बाद दर्द नहीं हो रहा, मेरी बॉडी में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो मैं फीका खा लूँगा। ऐसे मैंने पहले भी 1 साल फीका खाना खा के अपनी सारी जर्नी करी थी, पतला हुआ था, 50 किलो काटा था, तो मैंने वो फीका खाना खा के खुशी खुशी करा था। तो मैं वापस से इतना दर्द सहने से अच्छा, मैं अगर मेरे को रिकवरी हो रही है और मैं अगले 8 9 महीने बाद पेन फ्री रह सकता हूँ, तो इससे बेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता। तो जर्नी यही है। ये वीडियो थी आपको इन्फॉर्मेटिव के लिए, ताकि आप सबको हेल्प भी मिले पोस्चर रिगार्डिंग, आप सब भी अपना भला कर सको, जिसको पेन होता है वो पेन फ्री रह सके, तो बेस्ट है। बाकी ये जर्नी चलती रहेगी। और रही बात वर्कआउट वगैरह की, डाइट से चल रही है, पहला मील ले लिया था, अगर वर्कआउट है दोबारा मेरे ख्याल से आर्म्स या चेस्ट ही लगेगा, क्योंकि ऑफ चल रहा था और मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ, हो सकेगा तो आपको कोई एक्सरसाइज वगैरह दिखा दूंगा, वरना मंडे से स्टार्ट करेंगे बैक टू बैक। पेन होगा पर कोई नहीं, अब बैक टू बैक करेंगे ताकि मेरी भी एक कंसिस्टेंसी बन रहे और मैं जर्नी दिखाऊँ। जितने मेरे भाई हैं जो वेट करते हैं वीडियो के लिए, उनको भी बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ मिलती रहे, ना कि 4 4 8 8 दिन बाद, जितना कम गैप हो सकता है उतना कम गैप में। तो भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने पापा मम्मी का ध्यान रखना और अपने सपनों के लिए लड़ते रहना।